हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुर आप सभी के अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइस हम जानेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी ऑफ साइन डीएलएम की लिस्टिंग स्ट्रेटजी। लिस्टिंग कहां हो सकती है, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, कितना गेन मिल सकता है, उसके साथ ही जानेंगे हम लिस्टिंग में बेनिफिट कैसे हम मैक्सिमम करें, जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है उसको हम बढ़ाएं कैसे, ज़्यादा कैसे करें, पूरी वो स्ट्रेटजी हम समझेंगे। आपको पता होगा कि हम हर एक आईपीओ के बाद लिस्टिंग स्ट्रेटजी डालते हैं और रिसेंटली हमने आइडिया फोर्स का लिस्टिंग प्रोडक्ट किया था और वो एक्यूरेट निकलती हुई देखिए 95-98% की एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे गाइस उस वीडियो को आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आइडिया फोर्स की लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली। और इस वीडियो में अगर जो आप पहली बार आए हो तो वीडियो बिना स्किप किए देखना ताकि सारी डिटेल समझ में आ सके। और अगर जो आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो भी इसमें बताने वाला हूं। तो अगर जो आपको आईपीओ नहीं मिला तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करना ताकि इससे बेहतर अपडेट आपको हमेशा मिल सके हमारी तरफ से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल। यहाँ पे गाइस लिस्टिंग 10th ऑफ जुलाई को है, यानी कि मंडे को, ये आपको पता ही होगा। फेस वैल्यू 10 की यानी स्टैंडर्ड फेस वैल्यू है 250 to 265 इसका इशू प्राइस रखा गया था, जिसमें से आपको 265 पे अलॉटमेंट मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इशू का साइज था वो 592 करोड़ का था, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, यानी कंपनी अपने यूज में लेने वाली है, कुछ भी OFS यहाँ पे नहीं था। अगर आपने रिटेलर से कैटेगरी में अप्लाई किया था और आपको अलॉटमेंट मिला है तो 56 शेयर आपको एक लॉट मिलने वाले हैं और स्मॉल चेन्नई में 784, बिग चेन्नई में 3808। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम रिटेल इन्वेस्टर यानी 56 शेयर के हिसाब से ही पूरी प्रेडिक्शन निकालेंगे और उसके हिसाब से आपके पास 2 लॉट 3 लॉट 4 होगा, तो आप मल्टीपल अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, उसके बाद फाइनेंशियल्स का। बिजनेस आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्रीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एयरोस्पेस डिफेंस के लिए मेजर ये इसका काम है। ठीक है, इसके लिए वायरिंग हार्नेस, PCBs बनाती है। ठीक है, तो इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो एरोस्पेस और डिफेंस में है, बाकी जो सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है, लेकिन इसका जो एरोस्पेस और डिफेंस वाला काम है ये पता आपको इंडिया काफ़ी ग्रो करने वाला है इस सेक्टर में और इंडिया को अभी इसकी ज़रूरत भी है, तो यहाँ से इसका बिजनेस बहुत शानदार बन के आएगा फ्यूचर में। तो भाई लॉन्ग टर्म में जो बाकी बिजनेस है वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट होकर आएगा, लेकिन यहाँ से मेजर पैसा भी बन के आ सकता है। और हॉस्पिटैलिटी का जो मशीन और ये सारा कुछ ये असेंबली करती हैं उससे भी इनका पैसा निकल के आने वाला है, तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो पुख्ता है। थोड़ा सा कंपटीशन तो देखो हेल्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन इनके जो अलग अलग आर्म्स है उसमें काफी बेहतर तरीके से अलग अलग ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखा सकती हैं। एयरोस्पेस डिफेंस से अच्छा पैसा कमा सकती हैं, जो हॉस्पिटैलिटी वाला उससे अच्छा पैसा कमा सकती हैं, इंडस्ट्रीज में मान लो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर ऑटोमोटिव में, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आता दिखेगा। तो बिजनेस यहाँ पे वेल स्टेब्लिश और बढ़िया है, ऊपर से इनकी एक पहले से ही कंपनी साइंट लिस्टेड है, वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, उनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, साथ में बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो ये भी एक फायदा इस बिजनेस को मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करूँ इसके प्राइस बैंड की, तो गाइस प्राइस बैंड आपको मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि प्राइस बैंड जेन्युइन लग रहा है, थोड़ा बहुत सस्ता होता तो और अच्छी गेन देखने को मिल जाती, लेकिन ठीक है, हम महंगा नहीं कह सकते। जैसे आइडिया फोर्स महंगा था, इसको हम महंगा नहीं कह सकते, ठीक ठाक सा प्राइस बैंड पे आया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ ठीक ठाक सा देने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 2020 में लॉस में थे, बट भाई कोविड टाइम, उसके बाद देखो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने हमेशा अपना बढ़ाया ही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कंसिस्टेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो जंप देखने को हमें मिल रहा है। रिजर्व जो है वो भी अच्छे हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स इसमें से चुका देंगे, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स रहने वाली है इनके ऊपर, 314 करोड़ इनमें से 160-170 करोड़ दे देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो फाइनेंशियली भी बहुत आउट परफॉर्मेंस या बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, बट ओके ओके है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डेथ इनके ऊपर थोड़ा बहुत तो रह जाने वाला है, तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी बढ़िया है। कंपनी का जो ओवरव्यू अभी हमें देखने को मिल रहा है वो ठीक है, प्राइस बैंड सस्ता है, ये बात आपको बताया, पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी ठीक निकल के आ रही थी, जो हमने पीयर कंपैरिजन किया था बिजनेस डिटेल बताई थी आपको डिटेल रिव्यू वाली वीडियो में उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमें सब कुछ ठीक देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि लिस्टिंग कहाँ होगी। तो गाइस उसके पहले आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसमें कुछ भी चेंज होता है, जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सैटरडे को, आप हो सकता है संडे को देख रहे हो सकता है मंडे को सुबह आप देख रहे हो लिस्टिंग के पहले, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट में चेंज हो सकता है, इसके वजह से थोड़ा उथल पुथल आ सकती है या फिर बायर्स आ सकते हैं, तो जो भी कुछ चेंज होगा आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। देख लो यहाँ पे हमने पूरी लिस्टिंग लाइव आपके साथ बैठ के इस चैनल पर करवाई है, देख लो। ठीक है, आइडिया फोर्स की प्रॉपर आपको
चार्ट का सपोर्ट, प्रॉपर आपका ऑडियो का सपोर्ट और सारा सपोर्ट देखने को मिला है। उसके साथ ही आप वहाँ पे देख लो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन की कॉल भी देखने को मिल जाती है। कल के दिन देख लो यहाँ पे 6-7 कॉल देखने को मिली, ठीक है, इसमें से एक मैंने गलत लिख दिया था, करीब 6 कॉल देखने को मिली। यहाँ 2-3 देख लो आप बढ़िया जैकपॉट गोन के साथ 2 कॉल देखने को मिली और एक 10 पॉइंट गेन के बाद छोटा सा असल 18-19 पॉइंट का हिट हुआ। तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल देखने को मिल जाती है, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को मिल जाता है आपके स्क्रीन पे। देखो रेगुलर फ्रेश कर रहा है, रोक के आप वीडियो चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट उस लिंक से ज्वाइन करके आप जाके चैनल पे ही ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। पुराना 2-4 दिन का देखो समझ में आ जाए कितना बेनिफिट यहाँ पे है आपके लिए। लिस्टिंग तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। अगर जो लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहा तो फिर 14 के सब्सक्राइबर्स वाले इस चैनल पे जहाँ 14.3 हो चुका है फाइन कर लेना, बट सही चांस ढूंढना, ये है रियल चैनल। जो भी दूसरे नाम हैं ये सब्सक्राइबर ज्यादा कम वाले भी इस नाम से, वो सारे फेक चैनल हैं, तो इस चीज से आप बच के रहना। तो यहाँ पे आपके साथ में लिस्टिंग करवाऊंगा। तो अभी आ जाते हैं हम कि लिस्टिंग कहाँ हो सकती है इस IPO की, ये जानने के लिए कंक्लूजन पेज पे और ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लेते हैं। पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है हमारा अभी 135-140 रुपए देखने को मिल रहा है। मैंने कल शाम को एक वीडियो दी थी, उसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया वो आज भी काम करता दिख रहा है। तो यहाँ पे 135-140 रुपीज का ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ठीक है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 265 का है। अगर जो 265 आप ऐड करोगे तो आपको करीब ये 400-405 यानी 405 रुपीस देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से। बट लिस्टिंग ग्रे मार्केट के हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक एनालिसिस करने का तरीका हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, बट पूरे के पूरे भरोसे ग्रे मार्केट में लिस्टिंग नहीं होती है। आपको भी पता है, अभी आइडिया फोर्स ने दिखाया अभी ग्रे मार्केट में कितना कम था और बाद में लिस्टिंग अच्छी खासी देखने को मिली है। तो यहाँ पे इस मार्केट में 3 सिनेरियो बनते हैं, ठीक है, लिस्टिंग के। देखो 9 बजे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद 9:15 से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, बट जो लिस्टिंग होती है वो 9:45 पे, 9:45 पे प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है और 10 बजे लिस्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 45 मिनट का गैप देखने को मिल रहा है। अगर जो प्री ऑर्डर लगाना है तो आप 9:15 के बाद लगा सकते हो, ठीक है, बट आप सेल करोगे 10 बजे के बाद। तो यहाँ पे मार्केट ओपन क्या होता है और उस टाइम में कैसा रहता है, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो बनेंगे, 1, 2, 3 आपको लिख दूँ। मार्केट या तो अपसाइड मोमेंटम में रहे, ठीक है, या तो फ्लैट रहे, या तो डाउनसाइड मोमेंटम में रहे। तो यहाँ पे अगर जो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में रहता है, मतलब मार्केट पॉजिटिव रहता है जब ये लिस्टिंग होगी, तो जो मुझे लगता है वो करीब 380-390 से लेके आपको ये जो लिस्टिंग है बड़े आराम से 420-430 से लेके आराम से 450 और 480 तक भी देखने को मिल सकती है। अब ये इतना लंबा गैप क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अगर जो आप ग्रे मार्केट में देख रहे हो और सारा कुछ देख रहे हो तो उसके हिसाब से लिस्टिंग 400 पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख लो 450 से 480, ये गैप अगर जो मार्केट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस बैंड जो है वो सस्ता है, तो यहाँ पे बायर्स भी आ सकते हैं, बिजनेस भी ठीक ठाक सा है। अगर जो प्री ओपनिंग सेशन में बढ़िया बाइंग आई तो आराम से इसको पुश मिलेगा। आपने आइडिया फोर्स में देखा ऊपर गया, 1300 पे लिस्टिंग हुई, 1350 के आसपास हाई बना और धड़ाम से गिर गया, लेकिन यहाँ पे इसमें गेन देखने को मिल सकता है। तो लिस्टिंग के बाद 2-4 मिनट जो होता है वो भागता हुआ भी देख सकते हैं, उसको भी यहाँ पे काउंट करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 450, 460, 480 तक भी जा सकता है और अगर जो अच्छी बाइंग आई तो 500 भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप आराम से 400 से लेके 500 के बीच का गैप लेके चल सकते हो 10-20 रुपये ऊपर नीचे, अगर जो मार्केट पॉजिटिव रहता है। अगर जो मार्केट फ्लैट रहता है, मार्केट फ्लैट की कंडीशन में आराम से ये आपको 350-410 के बीच की लिस्टिंग दे सकता है, 350-360 के आसपास या 400-410 के आसपास उस बीच में लिस्टिंग दे सकता है। अगर जो मार्केट नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे भाई 350 के नीचे की लिस्टिंग हो सकती है, बट इसके चांसेस बहुत ही लो है, मैं बोलूँ तो 5-10% मुश्किल से, ठीक है, मैक्सिमम 10% बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ पे भाई लिस्टिंग 350 के नीचे होगी। तो 350 के ऊपर ही ऊपर की लिस्टिंग है, तो अब यहाँ पे कोई बोले आपने 350 से लेके 500 तो बता ही दिया, बट भाई मार्केट के 3 सिनेरियो भी तो बन रहे हैं, हम क्या करें। यहाँ पे बायर्स हमें नहीं पता ना कौन कौन खरीदने आ रहा है, हमें तो प्राइस बैंड पता है, हमें एनालिसिस पता है कितनों ने लगाया था, किसको नहीं मिला, ये पता, उसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो कहने को तो लोग काफी कुछ कह देते हैं, बट आपको लिस्टिंग प्रेडिक्शन पिछले 150-200 IPO में बताया है, जाके देख लो, एक्यूरेसी आपको 95% प्लस देखने को मिल जाएगी, लगभग वही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, मार्केट में कोई भी 100% नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हो गई लिस्टिंग प्रेडिक्शन। अब आपको क्या करना है, देखो अगर जो आपने लिस्टिंग के लिए लगाया था सिर्फ, तो लिस्टिंग के लिए आपको गेन मिल गया, सीधे सेल करो और निकल जाओ, खत्म हुआ मैटर। अगर जो आप ये हो कि भाई मेरे को तो थोड़ा सा पैसा इसमें रोकना भी है, लॉन्ग टर्म में भी जाना, कि बिजनेस बेहतर है, आप इसमें लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, 2-3-5 साल का व्यू अगर जो बना रहे हो या 2-3 महीने 6 महीने का बना रहे हो तो गेन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपके पास 2 सिनेरियो बनते हैं, 2 सिनेरियो कि आप
इसको लॉट में कन्वर्ट कर लो। लॉट मतलब कि एक बार आप कर लो दो लॉट में कन्वर्ट, 56 शेयर मिलने वाले हैं, उसमें आप क्या करो करीब 38-40 शेयर सेल कर दो। मैं मान के चल रहा हूँ कि लिस्टिंग अराउंड 400 होगी, ठीक है, या 410-420 के आसपास हमने निकाल दिया। तो जब मैं 40 शेयर सेल कर दिए तो आपको करीब 16,000 रुपीस देखने को मिल जाएगा निकलता हुआ, मतलब आपने 16,000 बुक कर लिया। उसके बाद भी करीब 6,650 रुपये आपका मार्केट में पड़ा हुआ है, अगर जो 400-410 के पास है। अब अगर जो ये 410-420 के पास हमने सेल किया है और आप 350 का एक स्टॉप लॉस लगा लो कि अगर जो इसके नीचे जाता है तो मैं पूरा निकाल दूंगा, नहीं तो फिर बैठा रहूंगा। ये 450 जाए, 500 जाए, 600 जाए, 700 जाए, 1,000 भी जाए, मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, 50 रुपये गैप में लेके चलता जाऊंगा दूसरे लॉट की बात, मतलब जो आपके पास करीब 15-16 शेयर बच गए। इसको आप तीन पार्ट में सेल कर सकते हो। तीन पार्ट में किस तरीके से, आप देखो मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो पूरा लिख के इस तरीके से रखता हूँ, पूरी चीज़ें एकदम प्रॉपर सोच समझ के करता हूँ, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ें अगर जो करो तो दिमाग के बजाय अगर जो लिख के रखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको कल क्या करना है, एक बार लिख के रख लो कितने शेयर सेल कर रहे हैं, इतने शेयर इस प्राइस रेंज पे आए, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। तो आपने पहला लॉट निकाल दिया, दूसरा लॉट भी आपने देख लिया जो दो लॉट बनाया था अपने 56 शेयर का। अगर जो आपने तीन लॉट बना लिया, इससे ज़्यादा नहीं बनाने, तीन लॉट बहुत होते हैं, तो करीब आपने 25-26 शेयर सेल कर दिए, 25-26 शेयर आपने सेल कर दिए तो आपको लगभग 12,000 रुपये का गेन देखने को मिलेगा 400 के ऊपर का जो लिस्टिंग होती है। उसके बाद आपके बचे उनको आप 13-13 शेयर सेल करते जाओ, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। जैसे मान लो आपने एक 400 के आसपास सेल किया, ठीक है, 26 शेयर आपने करीब 10-11,000 बुक कर लिया, मान लो 450 के पास सेल किया तो करीब 12,000 बुक कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बचे 13 शेयर, अब इस शेयर के लिए हम जाएंगे 450-460-470 के आसपास कहीं बेच दिया, फिर बचे कहीं पे 13 शेयर, ठीक है। उसके बाद फिर हम ले गए 500 के आसपास और हमने सेल कर दिया, और अगर जो हमें नीचे गिरता हुआ दिख रहा है तो हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे और 350 का एक स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर थोड़ा बहुत रिस्क लिया कि भाई अगले दिन गेन आ सकता है, उससे अगले दिन गेन आ सकता है। तो मंडे को लिस्टिंग हो रही है तो पूरा का पूरा हफ्ता है इसमें गेन पाने के लिए। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। आई होप ये चीज़ समझोगे आप कि तीन लॉट में कन्वर्ट करना है, दो लॉट में एक बार बेचना है, 50 रुपये का नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, फिर ट्रेल करते जाना है ऊपर की तरफ, और फिर हम इस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर जो आप लिस्टिंग के दिन खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़े टाइम रुक के खरीदना चाहिए। एक प्राइस पॉइंट डिसाइड हो जाता है कि इस प्राइस में मूव कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट होता है उसके बाद। तो मेरे हिसाब से अगर ये 350-60 या 380 तक भी देखने को मिलता है, अगर जो लिस्टिंग 400 के ऊपर होती है तो बाइंग के लिए सही है, लेकिन अगर जो 450 के ऊपर लिस्टिंग होती है, देखना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि फ्रेश बाय के लेवल क्या हो सकते हैं अगर जब लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, और अभी खरीदना सही भी होगा नहीं होगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन में ही सारा कुछ अगर जो निचुड़ गया खरीदे क्या ही फायदा, पता चला सारे के सारे बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं तो नुकसान हो जाने वाला है। बाकी आपकी इच्छा है तो 5-10 शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म में रह सकते हो, शेयर अच्छा है, बट ये आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, रिस्क खुद का आपका होना चाहिए। हम एजुकेशनल पर्पस से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ आपको वही बताते हैं जो हमें लगता है हम खुद करते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, आई होप आप इस चीज़ से बेहतर प्रॉफिट बना पाओगे, और कमेंट करके बताना आपने कितना लॉट अप्लाई किया था, कितना मिला आपको, और आपकी क्या खुद की स्ट्रेटजी। तो मिलता है अगली वीडियो में, करते वीडियो का थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज चल दिस एंड बाय फॉर नाउ।